हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हां, काउंसलिंग के समय जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की जब फाइल आप तैयार करते हैं तो उसके साथ जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो है कुछ काउंसलिंग प्रपत्र भी जो है जारी किए जाते हैं जिनको उस डॉक्यूमेंट फाइल्स के साथ लगाना जरूरी होता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम आपको जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया में काउंसलिंग की जो फाइल तैयार होती है यानी कि जो डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर तैयार होता है वो किस तरीके से किया जाता है और उसमें जो है काउंसलिंग प्रपत्र कौन कौन से लगाए जाते हैं जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा विभाग द्वारा जो है जारी किया जाता है। क्योंकि फोल्डर फाइल आपकी जो है तभी कंप्लीट मानी जाती है जब उसमें जो है काउंसलिंग प्रपत्र लगा हो और सारे डॉक्यूमेंट जो है सही तरीके से अरेंजमेंट किए गए हों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनके चलते आपका चयन होने के बावजूद यानी कि आप जो है काउंसलिंग में जो है सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बावजूद जो है बाद में आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर आप बाहर क्यों किए जाते हैं और ऐसी क्या गलतियां आपके द्वारा हो जाती हैं कि आपको जो है काउंसलिंग के बाद भी जो है नियुक्ति नहीं मिल पाती है, तो ये जो है हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम अपने आने वाले अगले वीडियोस में आपको बताएंगे सीट्स के बारे में कि कहां पे कौन कौन से जो है सीट जो है किस किस जिले में किस किस ब्लॉक में किस किस पंचायत में कितनी सीटें जो है कैटेगरी वाइज खाली हैं। वैसे भी हम अपने जो है 3-4 वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं और उसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, ये जो काउंसलिंग प्रपत्र का वीडियो है उसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आपको जो है हम आपको जो है ब्लॉक वाइज या जिला वाइज जो है किसी एक जिले की पूरी मेरिट लिस्ट उठा करके और वहां का जो मेरिट जो बन रहा है कैटेगरी वाइज उसके बारे में एक विश्लेषण जो है प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको जो है काफी मदद मिलेगी कि आपको काउंसलिंग में जो है किस जिले का चयन करना चाहिए 6 to 8 के लिए। ठीक है, 6 से 8 के लिए हम अपने जो है अगला वीडियो लाएंगे कि आप जो है काउंसलिंग जिले का जो है चयन कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा और ऑल पे क्लिक करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के वीडियो में आप सबसे पहले जो है ये देखिए यहाँ पे एक प्रपत्र का जो है फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो है काउंसलिंग से जो है पहले जो है जारी किया जाता है और इस प्रकार का जो काउंसलिंग प्रपत्र होता है वो आपको जो है जिला शिक्षा वेबसाइट से जो है या जो है जिला की जो वेबसाइट होती है उस पर जो है आपको ये उपलब्ध हो जाएगा रिक्रूटमेंट फोल्डर में। तो वहां से आप क्या करते हैं इस काउंसलिंग प्रपत्र को जो है लोड कर लेते हैं और इस काउंसलिंग प्रपत्र को जो है फाइल में जो है सबसे पहले लगाया जाता है। फाइल का जो फॉर्मेट होता है, फाइल आपको जो है फोल्डर फाइल लेनी होती है यानी कि पूरी तरीके से जो पैक होती है उसमें जो है दफ्ती जो है दोनों तरफ ऊपर जो है दरवाजे की तरह कवर टाइप की दफ्ती होती है और एक धागा होता है, ठीक है, बांधने के लिए पूरी फाइल को। तो आपको हमेशा जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी आप काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को जब अरेंज कर लेंगे तो उनको जो है आप फोल्डर फाइल में ही जमा करेंगे, किसी नॉर्मल फाइल में जमा नहीं करेंगे। ठीक है, और फोल्डर फाइल में जब आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसके ऊपर जो है लगेगा काउंसलिंग प्रपत्र। ठीक है, काउंसलिंग प्रपत्र में आपको जो है कुछ जानकारियां देनी होती है, वो जानकारियां क्या है आइए देखते हैं कि जानकारियां क्या है। ये जो काउंसलिंग प्रपत्र आप इस समय जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किसी एक जिले का है और ये जो काउंसलिंग प्रपत्र है ये अभी जो 10+2 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी उसके लिए जो है जारी किया गया था। तो जब 10+2 के लिए इस प्रकार का काउंसलिंग प्रपत्र जारी किया गया है तो इसी के अनुसार या इसी के तरह जो है मिलता जुलता जो है आपको काउंसलिंग प्रपत्र मिलेगा 6 to 8 के लिए या प्राइमरी के लिए 1 से 5 के लिए। तो ये काउंसलिंग प्रपत्र जो है आपको फाइल के ऊपर जो है लगाना सबसे जो है जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है एक समरी रिपोर्ट बन जाती है जिससे जो है उनको आसानी रहती है आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या जानकारियां जो है भरनी होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो है हेडिंग आपको दिखाई दे रही है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी लिखा हुआ है और उसके बाद जो है अतिथि शिक्षकों की सेवा होती है जो काउंसलिंग प्रपत्र जो है ये हेडिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के बाद जो है आपके जिले का नाम होगा। ठीक है, जिस जिले का काउंसलिंग प्रपत्र आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो है उत्क्रमित जो विद्यालय है उसका यहाँ पे नाम होगा यानी प्राइमरी होगा, प्राथमिक होगा या मध्य होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय लिखा होगा। उसके बाद जो है यहाँ विषय देखिए लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे विषय भरना होता है काउंसलिंग के लिए। फिर उसके बाद जो है अंतिम मेधा सूची में जो है क्रमांक,
ठीक है, यानी कि जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो है जारी की गई है जिला शिक्षा विभाग द्वारा, उसमें आप जो है किस क्रमांक पर हैं, ठीक है, आपका जो है सूची में जो है जिस क्रमांक पे है वो क्रमांक यहाँ पे आपको डालना होता है और अपना यहाँ पे मेधा अंक डालना होता है, ठीक है, यानी कि टोटल मेरिट जो बनती है आपकी लास्ट में वो यहाँ पे आपको डालना होता है। आवेदन की प्राप्ति रसीद संख्या यहाँ पे आपको डालनी होगी, इसलिए आपके पास जितनी भी पावती रसीद संख्या हो उनको बहुत संभाल के रखिएगा, उनको जो है खोने मत दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आवेदन की प्राप्ति रसीद संख्या नहीं मालूम है तो जब आप मेरिट लिस्ट देखते हैं, ठीक है, जब आप मेरिट लिस्ट जो है सूची में देखते हैं तो उसमें एक कॉलम में जो है पावती रसीद की संख्या दी रहती है, ठीक है, उस पावती रसीद की संख्या को भी आप नोट कर लीजिएगा अगर आपका जो है पावती रसीद खो गया है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों का जो है पावती रसीद खोया नहीं होगा, आप उसको जो है बचा के रखिएगा। और अगर आपने जो है डाक के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से जो है आवेदन भेजा था तो उसका यहाँ पे जो है नंबर आपको जो है डालना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट रिसिप्ट नंबर जो है यहाँ पे देना होगा अगर आपने डाक के माध्यम से भेजा था, ठीक है। फिर अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का नाम वही होना चाहिए जो आपके जो है हाई स्कूल की जो है मार्कशीट में होगा। पिता का नाम भी वही होना चाहिए जो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट में होगा। जन्म तिथि भी जो है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी जो है कोटी डालेंगे, ठीक है, कोटी यानी कि जो है जिस कैटेगरी में आप आते हैं, यानी जर्नल में है तो जर्नल में, ठीक है। जर्नल के बाद आपका जो है EWS है, इकोनॉमी वाला है सर्टिफिकेट अगर आपके पास जर्नल का, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, मेल है या फीमेल है वो भी लिखेंगे। उसके साथ OBC है, EBC है, BC1, BC2 जो भी है आप यहाँ लिखेंगे। क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे आप वही देंगे जो आपके पहचान पत्र में है, ठीक है, और आपने जो आवेदन फॉर्म में जो एड्रेस लिखा है वही दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस डिफरेंस हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर भी आप वही डालिएगा जो आपने आवेदन पत्र में डाला हुआ है। तो ये जो है एक जो है साधारण जो है जानकारी थी जिसको आपको जो है फिलअप करना होगा काउंसलिंग प्रपत्र में, ठीक है। उसके बाद जो अगली जानकारी आपको भरनी होगी, आइए उसको देख लेते हैं। अगली जानकारी में आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित जो है जानकारियां यहाँ पर जो है मांगी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए लिखा है कि संलग्न करना है स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का एक फोल्डर में क्रमानुसार देंगे, यानी एक फोल्डर फाइल में, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको जो है देने हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने सेट आपको बनाने हैं फोटोकॉपी के, ठीक है। अधिकतम जो है मिनिमम जो है लोग दो बनाते हैं और अधिकतम जो है कभी कभी चार मांग लिए जाते हैं, ठीक है। मिनिमम दो सेट आपको बना के रखने हैं और मिनिमम दो सेट जो है आप रिजर्व में रखिएगा, क्योंकि हो सकता हो कि मांग लें वो, ठीक है। और उसके अलावा कम से कम आप जो है अधिकतम जो है 8 फोटो जो है जरूर रखिएगा, ठीक है। फोटो अगर आपके पास पहले की हैं जो आपने आवेदन पत्र पर लगाया था तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, ताकि जो है उनको कोई दिक्कत ना हो और वो कोई जो है सवाल जो है आपसे ना कर सके, ठीक है। तो फोटो अपनी संभाल के रखिएगा, 8 फोटो कॉपी, 8 फोटो जो है जरूर रखिएगा और कम से कम 4 सेट जो है डॉक्यूमेंट्स के जो है फोटो कॉपी बना के रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो क्रम दिया हुआ है इसी क्रम में आपकी जो है पूरी जो है फाइल बनेगी, ठीक है, फोल्डर फाइल आपकी इसी क्रम में बनेगी। इसमें सबसे ऊपर जो लगेगा वो काउंसलिंग प्रपत्र लगेगा जो आप देख रहे हैं, यही काउंसलिंग प्रपत्र सबसे ऊपर लगेगा और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख रहे हैं वो इसके नीचे लगेगी, ठीक है। बिल्कुल सेम क्रम होना चाहिए, कोई भी अंतर जो है क्रम में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र लगाएगा, फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ठीक है, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं वही लगेंगे, ठीक है। उसके बाद स्नातक अंक पत्र है, स्नातक मूल प्रमाण पत्र है और स्नातकोत्तर का जो है प्रवेश पत्र इस बार भी मांगा जा रहा है, एडमिट कार्ड जरूर संभाल के रखिएगा। फिर है स्नातकोत्तर यानी PG पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र और PG पोस्ट ग्रेजुएट का जो है मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र। तो ये तो 10+2 के लिए था, ठीक है, PG वाला जो आपका जो दिया है इसमें वो 10+2 का था, आपका प्राइमरी और मध्य विद्यालय में वो नहीं लगेगा तो वो यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है लगाना है BEd का प्रवेश पत्र। यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि अगर आपके पास स्नातक का जो है मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी से जो है जाकर के ले लीजिएगा जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है, और वो तभी निकालिएगा जब आपको काउंसलिंग की डेट पता चल जाए, उससे जो है पहले जो है आप निकाल लीजिएगा। आपको जो डेट मिलेगी आप जाके तुरंत निकाल लीजिएगा, आपको 1-2 दिन में वो मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको मूल प्रमाण पत्र ना मिला हो, और अगर मूल प्रमाण पत्र आ गया हो यूनिवर्सिटी में तो वो आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो इनकी जो है फोटोकॉपी हो गई। उसके बाद BEd का प्रवेश पत्र, BEd का अंक पत्र और BEd का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर मूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो प्रोविजनल आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है STET का जो है जो मार्कशीट है जो मिलती है बिहार सरकार द्वारा जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा की वो लगेगी, और नहीं तो फिर जो है आपकी जो सेंट्रल वाली है, ठीक है, बिहार
टीईटी का लगवाइएगा अगर जो आपने लगाया है, और अगर आपने सीटेट का लगाया है तो सीटेट यहाँ पे आप लगाएंगे। इस बार ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है टीईटी का एडमिट कार्ड भी लगाना है साथ में, ठीक है। तो टीईटी का एडमिट कार्ड या सीटेट का एडमिट कार्ड भी आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है कॉपी लगेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का जो है वो लगाइएगा, जनरल वाले तो नहीं लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस जनरल है वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितने लोगों ने BC1 या BC2 या EBC में जो है अप्लाई किया है वो ध्यान रखेंगे, अगर आपने क्रीमी लेयर, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उसका सर्टिफिकेट ही आप लगाइएगा, बिल्कुल आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब हम फॉर्म जमा करने गए थे भोजपुर जिला में तो वहां आरा नगर निगम में जो है हमसे उसने लिखवा लिया था, ठीक है, उसने आवेदन पत्र पर ये लिखवा लिया था कि आप जो है क्रीमी लेयर में अगर जो है नहीं आते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे। यानी कि अगर आपको EBC में रिजर्वेशन चाहिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत, ठीक है, तो आप जो है क्रीमी लेयर का EBC का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर आपको वो आरक्षण क्रीमी लेयर वाला नहीं देंगे, आपको नॉर्मल EBC BC1 BC2 का ही जो है आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो है निवास प्रमाण पत्र लगेगा, पावती रसीद लगेगी, और दो फोटो यहाँ पे मांग रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा में कम से कम 8 फोटो अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गई, ये कब लगेंगी, ये जो है सबसे पहले ऊपर जो है जो ये काउंसलिंग प्रपत्र है उसके नीचे ये डॉक्यूमेंट्स जो है अरेंज किए जाएंगे, ठीक है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर क्या किया जाएगा, फोल्डर फाइल में रख करके वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इधर देखिए साइड में दे रहे हैं आपको स्नातकोत्तर BEd कुल प्रतिशत मतलब मेरिट अंक, आपको एक तरीके से जो यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई है, ठीक है। तो प्राप्तांक पूर्णांक प्रतिशत अंक ये सब आपको जो है भर देना है, स्नातकोत्तर का BEd का कुल प्रतिशत योग, प्रतिशत योग बाई 2 से डिवाइड करना है, कुल मेधा अंक है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसा काउंसलिंग प्रपत्र आएगा उसके अनुसार आप भरेंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा, ध्यान रखिएगा हस्ताक्षर वही करेंगे जो आपने आवेदन पत्र में किया है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा साइन आप नहीं करेंगे, हिंदी में किया है तो हिंदी में, इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये काउंसलिंग प्रपत्र जो है डॉक्यूमेंट्स के पहले पन्ने पे सबसे पहले लगेगा, उसके बाद जो है फोल्डर्स में जो है ये जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र में हमने बता ही दिया, अगर आप क्रीमी लेयर के हैं तो जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको रिजर्वेशन जो है नॉर्मल EBC का दिया जाएगा, ना कि क्रीमी लेयर में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद जब आपकी फाइल्स सारी जमा हो जाती है, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट फोल्डर फाइल्स जमा हो जाती है, तो आपसे एक जो है सहमति पत्र मांगा जाता है, ठीक है। एक सहमति पत्र में नॉर्मल ये डिटेल्स होती है, कोई खास नहीं होती, वही बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। तो ये प्रपत्र जो है आपको काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद वहां पर आपको मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। जब आप सहमति पत्र दे देते हैं और आपका जो है बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे एक डॉक्यूमेंट्स और भरवाया जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स होता है विद्यालय विकल्प हेतु सहमति, ठीक है। ये सहमति पत्र के ठीक नीचे ही दिया रहता है। तो विद्यालय विकल्प हेतु सहमति जो है आपसे क्रमानुसार मांगी जाती है, जिसमें आपसे 5 विद्यालय के नाम जो है मांगे जाएंगे। यानी कि अभी जो काउंसलिंग हुई थी 10+2 की, उसमें 5 विद्यालय मांगे गए थे और इन्हीं में से कोई एक विद्यालय आपको जो है आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है, भर्ती के लिए। और आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे जो है विद्यालय का नाम जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया कि काउंसलिंग के जो है प्रपत्र, देखिए कि काउंसलिंग प्रपत्र क्या लगेगा उसकी जानकारी आपको मिल गई, और ये आपको जो है जिला वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा जब काउंसलिंग की डेट आएगी। और उसके बाद आपको जो है सहमति पत्र है मिलेगा और विद्यालय का विकल्प जो है आपको भरना होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है कब होता है, जब आपका जो है चयन काउंसलिंग के लिए जो है हो जाता है, यानी आप जब चयनित हो जाते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए आप चयनित हैं तब ये सारी चीज आपको लेकर के जानी होती है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ठीक है, यानी कि आपके जितने भी हाई स्कूल इंटर सर्टिफिकेट जो भी हैं, ठीक है, उनमें जो नाम माता पिता का जो नाम है या अभ्यर्थी का नाम है या डेट ऑफ बर्थ है, वो सारे मैच करने चाहिए आपके पहचान पत्र में, ठीक है। यानी कि दोनों एक जैसे सेम होने चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आपके पते में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरी करता है या मैच करता है वही डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाएंगे। अगर आपके वोटर आईडी में, आधार कार्ड में अगर कोई डिफरेंस है तो अभी भी समय है, अभी आपके पास टाइम है, आप उसको जो है सुधार करवा लीजिए, नहीं तो आपको काउंसलिंग से वंचित किया जा सकता है। यानी काउंसलिंग में तो आप इन कर जाएंगे लेकिन आपको बाद में जो है छांटा जा सकता है, वो ये कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल क्लियर एंड कट रहिएगा। अगर इस प्रकार का कोई जो है दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट्स में, नाम का अंतर हो, जन्म तिथि का अंतर हो, फादर नेम में अंतर हो, ठीक है, या फिर एड्रेस में अंतर हो, जो आपने एड्रेस आवेदन पे लिखा है और मैच नहीं कर रहा है वोटर आईडी से, आधार कार्ड से, ठीक है,
तो उसमें अंतर हो उनको सुधार जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। और उनकी जो रिसिप्ट है वो जरूर लगा सकते हैं आप। और अगर आप जो है सुधार के लिए आवेदन किए हैं और अभी तक सुधार नहीं करा पाए हैं, तो एक शपथ पत्र एफिडेविट हलफनामा कोर्ट से जरूर बनवा के रखिएगा। जिला कचहरी से आप एक हलफनामा एफिडेविट या शपथ पत्र जरूर बनवा लीजिएगा कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में हमारे नाम पते जन्मतिथि जो लिखी गई है बताई गई है वो सब जो है मेरी जानकारी में सही और सत्य है, ठीक है। अगर कोई भी चीज जो है गलत पाई जाती है तो बाद में मेरा आवेदन या अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ऐसा एक हलफनामा बनवा के आप अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा जो है वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा और किस प्रकार से काउंसलिंग डॉक्यूमेंट जो है देने हैं, ठीक है, ये भी आपने जो जान लिया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप ओरिजिनल जमा करते हैं उनको एक धागे में नत्थी कर दीजिएगा। जब आप उसको जो है वो करते हैं ना, मढ़वाते हैं यानी जो पन्नी में करवाते हैं, उसमें जब पन्नी में साइड में जो है छेद कर करके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को एक धागे में जो है बांध दीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक धागे में कायदे से बांध दीजिएगा ताकि इधर उधर जो है वो गायब ना हो, ठीक है। तो ये काम जरूर करिएगा। और फाइल के ऊपर वाले हिस्से पे और पिछले हिस्से में और अंदर, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में, पिछले और अंदर, तीनों जगह एक लेवल अपने नाम का जो है पूरा, ये जो बेसिक जो काउंसलिंग प्रपत्र में जो आप पूरा बेसिक देख रहे हैं विषय है ये ऊपर का जो है एक फोटोकॉपी जो है करवा लीजिएगा। तीन हिस्से बना के एक फाइल के ऊपर लगाइएगा, एक फाइल के अंदर लगाइएगा और एक फाइल के पीछे जगह लगाइएगा, ठीक है। अगर किसी भी कंडीशन में कहीं से भी फटे तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स गायब ना होने पाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। हमारे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। हमारे आने वाले वीडियो जो हैं वो जो हैं जो सीट की जो रिक्तियां हैं जिला में, ब्लॉक में, पंचायत में, वो अभी चल रहे हैं। अभी तीन चार वीडियो हम डाउनलोड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, और उसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें आपको बताएंगे मेरिट के अनुसार काउंसलिंग का जो चयन है यानी काउंसलिंग जिले का चयन आप कैसे करें। तो हम आपको उसमें पूरी ऊपर से 1 से लेकर 100 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो है मेरिट का एक विश्लेषण बना के देंगे जिसके आधार पे आप अपने जो है काउंसलिंग स्थान का जो है चयन कर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग कहाँ करानी चाहिए। तो हमारे वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।